उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में डीएससी उम्मीदवारों के एहतजाज की कवरेज करने वाले एक सहाफी के साथ जदोकोब करते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जी तेलुगु रिपोर्टर की शर्ट पकड़कर उसे जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बिठाया, जबकि वो कह रहा था कि वो सहाफी है। दरअसल तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर एम सोमैया और जनरल सेक्रेटरी बसवा पुनैया ने ओयू कैंपस में सहाफी के साथ पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की। फेडरेशन ने गिरफ्तार मीडिया वालों की फौरी रिहाई और वाकये में मुलविस पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वाजे हो कि यह पहली बार नहीं है जब पुलिस ने किसी सहाफी के साथ ऐसी बदतमीजी की हो, और ओयू कैंपस में जारी एहतजाज के सिलसिले के दौरान पुलिस ने इससे पहले भी सहाफियों के साथ ऐसा ही रवैया अख्तियार किया था, जिसके बाद से ही मुख्तलिफ गोशों से पुलिस के इस रवैये की मजम्मत की जा रही है। दूसरी जानिब मीडिया पर जारी पुलिस हमलों और इख्तियार किए गए रवैये के खिलाफ सहाफियों ने आज सेक्रेटेरिएट के सामने सिया बैजस लगाकर एहतजाज किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कवरेज के लिए गए सहाफियों के साथ पुलिस के रवैये से सहाफी बरादरी में नाराजगी पाई जा रही है। इस मौके पर उन्होंने गिरफ्तार मीडिया वालों की फौरी रिहाई और वाकये में मुलविस पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया।